दोस्तों, पिछले क्लास में हमने कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी, लेकिन फिर से मैं आपको इस वीडियो में एक बार बता दूं कि यह रो होम रो होता है। तो आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि होम रो पे हम अपनी उंगलियों को किस तरह सही ढंग से प्लेस करेंगे। तो आप F और J की पर देख सकते हैं कि एक उभार बना हुआ है, तो हमारी इंडेक्स फिंगर्स को हमें F और J बटन पे रखना है। तो कभी भी जब हम टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो हमारी उंगलियां होम रो पर होनी चाहिए और उसमें भी होम बटन पे हमें हमेशा अपनी उंगलियों को रखना है। तो हमारी उंगलियों का प्लेसमेंट कैसे होगा देख लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड के लिए देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड में हमारी इंडेक्स फिंगर होगी F पर, मिडिल फिंगर होगी D पर, रिंग फिंगर होगी S पर, और ये पिंकी फिंगर या लास्ट फिंगर जिसे कहते हैं वो होगी A पर। तो A S D F, तो इस तरह से हमारी उंगलियों का प्लेसमेंट होगा। और राइट हैंड के लिए देखें तो यह इंडेक्स फिंगर आपको पता है कि हमें जे पर रखना है। एफ और जे मतलब हमेशा आपको याद रखना है, जे पर इंडेक्स फिंगर हो गया, के पर मिडिल फिंगर हो गया, एल पर रिंग फिंगर हो गया, और पिंकी फिंगर सेमी कॉलन पर हो गया। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, सेमी कॉलन एल के जे। तो इस तरह से हमें अपनी ये आठ उंगलियों को रखना है। और यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहीं से हमारी मतलब उंगलियां, चाहे ऊपर के होम ऊपर के रो में कुछ टाइप करना हो या नंबर्स टाइप करना हो या नीचे के रो में टाइप करना हो, यहीं से मूवमेंट होकर हमारी उंगलियां काम करेंगी। लेकिन हमें मतलब हमेशा अपनी उंगलियों को होम रो पर ही रखना है, यह तो हमें याद ही रखना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ए एस डी एफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड के लिए जे के एल सेमी कॉलन, जे के एल सेमी कॉलन। और हमारी ये दोनों फिंगर्स को जो अंगूठा है हमारा थंब है, इसे हम स्पेस बार पे रखेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार, बहुत सारे लोग राइट हैंड के थंब से प्रेस करते हैं, बट आपको जो आपको अगर प्रैक्टिस हो गया इसी थंब से, लेफ्ट हैंड के थंब से प्रेस करने का, तो आप इससे भी प्रेस कर सकते हैं, वो आपके सुविधा के अनुसार है। तो अब हम टाइप करके देखते हैं कि हमें टाइप कैसे करना है। तो शुरुआत करते हैं, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। फिर से एक बार देखते हैं, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। हर बार जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्पेस बटन का भी प्रैक्टिस करें, ताकि वो भी आपके साथ ऐड रहे, आपको कभी स्पेस बटन को दबाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ एक मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरा यह वीडियो मोबाइल पर देख रहे हो तो फुल स्क्रीन मोड को ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी उंगलियों का प्लेसमेंट कीबोर्ड पर और उसका मूवमेंट आपको सही तरह से दिखे और सही तरह से समझ में आए। तो इसे आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, एक दो तीन चार, पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार स्पेस, पाँच छः सात आठ स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आपके लिए ऐसा पहली बार होगा जब आप अपने सभी उंगलियों का प्रयोग कर टाइप करने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली हम अपने सभी उंगलियों को अलग अलग एक्ट करना सिखलाने वाले हैं। मतलब अभी तक आप इन दोनों उंगलियों से ही टाइप कर रहे थे, अधिकतर लोग यही करते हैं, आपकी इन बाकी उंगलियों को पता नहीं है कि हमारा कुछ काम भी है, हमारा कुछ रोल भी है टाइप करने में। तो अभी हमें उनको सिखलाना है। तो शुरुआत में यह थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ सब कुछ आसान हो जाएगा। आज के इस पहले क्लास का प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपनी टाइपिंग के दौरान होम रो का ही उपयोग करते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। हो सकता है आप बोर होने लगेंगे क्योंकि आपको कुछ लेटर्स को ही बार बार प्रेस करना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप इसका बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे तो जल्द ही आप 60 और 70 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से टाइप करने लगेंगे। तब आपको इस प्रैक्टिस का महत्व समझ में आएगा, तब आप मुझे याद करेंगे।
एक बात का अब आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि अब आप टाइप करते हुए अपने कीबोर्ड पर नहीं देखेंगे, अपने स्क्रीन पर ही देखेंगे। हो सकता है एक दो बार आपसे गलती हो तो आप अपने दिमाग पर जोर देकर अपनी उंगलियों को इस बात को याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि कौन से उंगली को कौन सा लेटर प्रेस करना है। प्रैक्टिस के साथ जल्दी ही आपकी उंगलियाँ सही की को प्रेस करने लगेंगी। यहाँ एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, आपका अगला लेसन तभी अनलॉक होगा जब आप इस लेसन को पूरा करेंगे और कम से कम लेसन के नीचे दिए गए प्रैक्टिस एरिया में एक पेज को पूरा फिल करेंगे। हर वीडियो के नीचे चार ब्लैंक पेज दिया गया है जिनमें से कम एक पेज जरूर फिल करना है, तभी आपका अगला लेक्चर अनलॉक होगा और आपका अगला क्लासरूम लेक्चर अगले दिन ही अनलॉक होगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर आप क्लासरूम में सिखलाए गए बातों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे और एक ही दिन में पूरा पढ़ लेंगे तो इससे आपको कोई भी फायदा नहीं हो सकता है। आपको यह बात थोड़ा ख़राब लग सकता है कि मुझे एक ही दिन में पूरे क्लासरूम सेक्शन का एक्सेस क्यों नहीं दिया गया है, लेकिन यह आपके लिए ही है। तो आप क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए और यह श्योर कर लीजिए कि आप एक प्रोफेशनल की तरह टाइप करने वाले बनने जा रहे हैं। आप अच्छे प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस बाजार में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू प्रैक्टिस बाजार में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। आपको अपनी उंगलियाँ ए एस डी एफ जे के एल सेमी कॉलन इस तरह रखनी है और ए एस डी एफ स्पेस जे के एल सेमी कॉलन स्पेस, तो इस तरह से आपको टाइप करना है। फिर आप दूसरे तरह से भी टाइप कर सकते हैं, सेमी कॉलन एल के जे स्पेस एफ डी एस ए स्पेस, साथ में आप एफ डी एस ए स्पेस जे के एल सेमी कॉलन स्पेस, कई तरह से आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ आप ध्यान रखें कि जब आप टाइप करें तो आप मन ही मन उन कीज को बोलें, या अगर आप बोल भी सकते हैं, मतलब ज़ोर से भी बोल सकते हैं तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि जब आप साथ में प्रेस करने के साथ ही आप जब बोलेंगे तो आपके हाथों को और मतलब आपकी उंगलियों को और आपके मतलब माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी पता चल जाएगा कि कौन से उंगली से कौन से बटन को प्रेस करना है। तो इस होम रो के कीज को आपको कम से कम पांच पेज पर फील करना है, मतलब प्रैक्टिस करना है, और आपको एक ही बार में दो तीन घंटे या चार घंटे प्रैक्टिस नहीं करना है। आप 30-30 मिनट का एक शेड्यूल बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए फिर प्रैक्टिस कीजिए, बट आप श्योर कीजिए कि ये मतलब चारों ए एस डी एफ जे के एल सेमी कॉलन फिर दूसरे तरह से कॉम्बिनेशन में आप इसको कम से कम पांच पेज फिल कीजिए। आप वेबसाइट पर दिए गए खाली स्पेस में भी फिल कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन जब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करें तो आपका फॉन्ट साइज छोटा हो इस बात का ध्यान रखें, मैक्सिमम 12 या 14 या 14 आपका फॉन्ट साइज हो उसके साथ ही आप टाइप करेंगे। ज़्यादा बड़ा फॉन्ट साइज के साथ आप जल्दी पेज फिलअप करने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा प्रैक्टिस करने से। और हाँ, आपको याद रखना है कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ना कि अपने कीबोर्ड पर। अब आप कीबोर्ड की तरफ देखना भूल जाइए, आपको लगातार अपने स्क्रीन पर ही देखना है। कोई मिस्टेक होने पर भी आप उसे बिना देखे ही दिमाग पर जोर देकर याद करके ठीक करेंगे, लेकिन कीबोर्ड पर नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी बताई गई इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।